आदरणीय संचालक महोदय डीपी रावत जी, महाराजा बिजलीपासी के जन्म दिवस के अवसर पर ट्रस्ट की अध्यक्षा, पूर्व सांसद SC/ST आयोग की उपाध्यक्षा आदरणीय पूर्णिमा वर्मा जी को प्रणाम करता हूं। हमारे भाई और जनपद उन्नाव में सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर मदद करते हैं भाई विद्या प्रसाद शास्त्री जी, जो ट्रस्ट के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय विधायक जी, सम्मानित मंच और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग, माताएं, बहनें, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में रखूंगा। हमारे आपके बीच में जो 25 दिसंबर को हम लोग सब लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए अपने महाराजा के मूर्ति के सामने इकट्ठा होते हैं, आते हैं, अथक प्रयास से सब लोग आते हैं, समय देते हैं, काफी कुछ यहाँ से सीख कर ले जाते हैं, हम काफी कुछ लोगों को देकर भी जाते हैं और काफी कुछ लोगों से लेकर भी हम जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में जो बड़े लोग हैं, जिनके पास समाज में पर्याप्त पैसा है, जो गरीब है वो तो गरीब है, प्रयास कर रहा है कि बराबरी आपकी हासिल करे, वो आप ऐसा नहीं है कि समाज में लोग करोड़पति अरबपति बड़े पैसे वाले लोग नहीं है, लेकिन मेरा एक मानना है काफी कुछ लोगों की उनमें सोच बड़ी नहीं। हम और आपकी जिम्मेदारी है कि बात की जाती है शिक्षा की तो शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षा में प्रतिभावान बच्चे की हम पैसे से, उस पैसे से वो प्रतिभावान बच्चा शिक्षा से हो सकता है वांछित रह जाता है, जो गरीब का बेटा। हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि अगर समाज में हम इस छोटे से जीवन में, जो पता नहीं कब हमारा कल हो या ना हो, उम्मीद लेकर हम जीते हैं कि 80-85 साल, 90 साल, 100 साल हम जीने का काम करेंगे, लेकिन हम कार्य करने के लिए जो समय मिलता है, अगर पर्याप्त जीवन हम लोगों ने जिया तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उन 30-35 सालों में हमको क्या करना चाहिए। हमारे देश की जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से लोगों की मदद करने की जरूरत हमको करनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को और पढ़ाएं, जितनी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, बड़े विश्वविद्यालय, उनमें पढ़ाएं, विदेश भेजें, ताकि समाज में हम बड़े बड़े पदों पर बराबरी कर सकें। लेकिन अगर हम किसी तरीके से अपने हमारे बच्चे पढ़ चुके हो, या हम तो पैसे वाले बने जब हमारे बच्चे पढ़ करके निकल चुके हो, कुछ ना पढ़ पाए हो, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में कम से कम 5 लोगों को बेहतर शिक्षा की दिलाने की जरूरत है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। पिछले बार कन्नौज सरकारी यूनिवर्सिटी है, समाज के 3 बच्चों का ITI में चयन हुआ, सरकारी यूनिवर्सिटी है, अंतिम 10,000 में उनका नाम आया, लेकिन पर्याप्त पैसा उनके पास नहीं था। और मैं, जो मेरी एक हैसियत है, अपनी गरीबी के अनुसार मैंने 3 बच्चों को, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद और पार्टी समाज के लिए उनके दिल में अपार जगह है,
हमारे बीच में वो तीन बच्चे जो काफी समाज के थे, उनका कन्नौज, दो का कन्नौज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, एक का कानपुर में मिला, लेकिन एक सरकारी फीस पड़ती है वो भी उन परिवारों के पास नहीं थी और वो बच्चे मेरे गांव के अगल बगल के थे। मैंने अपनी कमाई से उन बच्चों की यथासंभव मदद की, जिसमें करीब करीब 50,000 रुपए हमने उन तीनों बच्चों को देने का काम किया। ना वो मेरे भाई थे, ना मेरे चाचा के लड़के थे, लेकिन समाज के थे। हम निवेदन करेंगे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिस स्थिति में है, 5,000, 10,000, 20,000 जिस व्यवस्था में, आपको अगर कतई मालूम पड़ जाए कि पैसे से शिक्षा रुक रही है, तो उस अपने बेटे को भले न दिला सके, जो नहीं दिला सके, नहीं पढ़ सके, वो पीछे छूट गए, लेकिन समाज आगे ना छूटे, यही कटिबद्ध आपसे निवेदन है। रही बात समाज के एमपी और एमएलए हमारे बीच में है, हम लोगों के बीच में आदरणीय सांसद जी आ गए हैं। सांसद जी की मैं कितनी तारीफ करूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, सांसद जी उस समय मंच पर नहीं थे, कि समाज में जिन नेताओं ने बढ़ चढ़ करके समाज के लिए किया है, उनमें कौशल किशोर का पहला स्थान जरूर होना चाहिए। समाज उनका ऋणी रहेगा। अपनी बात को विराम देता हूं, आदरणीय पूर्णिमा वर्मा जी को प्रणाम करता हूं, और इस उम्मीद आशा के साथ कि जो जहां पर जैसे हैं, जिस प्रकार से हो सके, कम से कम समाज की 10, 20, 25 लड़कों लड़कियों को जितना हो सके केवल एक योगदान देना है शिक्षा में, उनकी शादी में कोई जरूरत नहीं, उससे हमें लाभ नहीं होने वाला, लेकिन जितने शिक्षा में उनकी मदद हम कर सकते हैं, इस महंगाई की शिक्षा में वही सबसे बड़ा योगदान होगा। तब आपके कलेक्टर होंगे, आपके जज होंगे, आपके एमपी एमएलए जो होंगे वो भी बुद्धिमान होंगे, समाज में बराबरी होगी, तभी हमारा सही तरीके से 25 दिसंबर महाराजा बिजनीपासी के चरण में श्रद्धांजलि होगी। वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पासी समाज जिंदाबाद, मंच के मंचासीन नेता सभी जिंदाबाद, समाज के लोग जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।